भाइयों, 27 इयर्स हम लोग इंसाफ के लिए इंतज़ार किए। 27 इयर्स के बाद हमें ये मालूम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला, एक सेटलमेंट मिला है, एक सेटलमेंट आ गया उधर। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की जो सुप्रीम न्यायालय है, वो ये फैसला देकर दुनिया को ये बताई कि हिंदुस्तान की जमहूरियत और उस जमहूरियत का सुप्रीम कोर्ट जिसका लाठी उसका भैंस का जो कानून है उसको वो लोग लागू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट खुद मानती है उधर जो मूर्तियां रखे गए वो क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है। उस मस्जिद को जो तोड़ा गया वो क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट है। मगर वही सुप्रीम कोर्ट फेथ के आस्था के बुनियाद पर उस जो जगह है उसको मुसलमानों से छीन कर जालिमों के हाथ में दिया। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल को सजा नहीं दिए, क्रिमिनल को रिवार्ड दिए और मजलूम को हक नहीं दिए, मजलूम को 5 एकड़ जमीन दिए। हम लोग हाँ, हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत सारे शोबे में पिछड़े हैं, वो हम मानते हैं, मगर हम इतने पिछड़े नहीं हो गए कि हम 5 एकड़ जमीन लेने के लिए 27 ईयर जाकर सुप्रीम कोर्ट ले लड़ना पड़ेगा। उतने कमजोर नहीं हो गए। और इस फैसले से, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारा देश को और हमारे देश के इंसाफ के सिस्टम को दुनिया के आगे सर झुकना पड़ा। क्यों? ये फासिस्ट, ये संघ परिवार के निजाम को हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट झुक गया। हमें इस बाबरी मस्जिद की जगह के लिए लड़ने से और इम्पोर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बचाने का बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है। वरना ये एक सिस्टम, ये एक निजाम ऐसा बन जाएगा हमारे देश में, जालिम को रिवार्ड करेंगे क्योंकि वो ताकतवर है और मजलूम को सजा देंगे क्योंकि वो ताकतवर नहीं है। अभी ताकतवर के बुनियाद पर जिसको ताकत है वो जो है इंसाफ को चलाएगा, तो इस देश में कोर्ट्स की कोई जरूरत भी नहीं है। इस देश में जंगल राज शुरू हो जाएगा, और जैसा यह फैसला आया, आने के बाद हमारे देश के प्रधान सेवक आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र दामोदर दास मोदी आकर ये बात किए, ये हिंदू की जीत नहीं, ये मुसलमान की जीत नहीं, ये हमारे देश की जीत है। हम वो बात को नहीं मानते हैं, ये हमारा देश का हार है, हमारा देश हार गया है। इसमें अभी हमारा देश हकीकत में जीतना है, तो उसमें वो जो मस्जिद को तोड़े उन जालिमों को सजा देना है और उसके साथ साथ वो मस्जिद की जगह मुसलमानों को देना है, तब असल इस देश की जीत होगी। और भाइयों, ये भी बात हमें याद रखना है, दुनिया आकर हमें अमन की शांति की भाषण देती है, अमन रखो, शांति रखो, पीस रखो। कौन सी कौम को आकर अमन की भाषण देती है, दुनिया लेक्चर देती है? जिस मस्जिद में हम 400 साल से ज्यादा नमाज पढ़े, उस मस्जिद में मूर्तियां रखकर उस मस्जिद को ताला डाला गया, हम अमन से ही थे। उसके बाद उस मस्जिद में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राजीव गांधी पुतलों को, मूर्तियों को रखकर उधर शिलान्यास पूजा करने के लिए जो पूरा प्रोग्राम करके इलेक्शन लड़े, उस वक्त पर भी हम अमन से ही थे। उसके बाद उस मस्जिद को तोड़ा गया हमें भरोसा देकर, उस वक्त पर भी हम लोग अमन से ही थे। अभी 27 इयर्स इंतजार करने के बाद हमें जो है आकर नाइंसाफी देने के बाद अमन के भाषण देते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, आप मुसलमानों को आकर अमन की भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। ये अमन पसंद कौम है, मगर इसका मतलब ये नहीं हम बुजदिल कौम है, इसका मतलब ये नहीं हम मुजदिल है। और ये होमोजीनियस सोसाइटी भी नहीं है, हेटेरोजीनियस सोसाइटी है। इसके अंदर मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ विचार है, मगर
90% यही विचार है कि हम बहुत गुस्से में है, इस फैसले से हम बहुत गुस्से में है, मगर इस गुस्से को हम जमहूरी अंदाज से इस देश में लड़ेंगे, इस गुस्से को हम कानूनी अंदाज से इस देश में लड़ेंगे और यकीनन हम कामयाबी हासिल करेंगे, यकीनन हम एक दिन कामयाब होने वाले हैं। इस बात को करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।